ये रात के वक्त ये मछेरा था, इसका रोज उसका मामूल था कि रात के वक्त मच्छी पकड़ने जाता था नदी में और उससे रोजगार करता था। ये कल रात के दिन, इतवार के दिन रात में, शाम में, रात में 3-2 बजे के दरमियान मछली मारने गया और उस पानी दोनों नदी में अचानक बढ़ गया और ये शख्स बीच में ही फंस गया। तो इसके अहले खाना और वहां के पूरे लोग उसको निकालने और बचाने में लगे हुए थे, लेकिन वो पानी का फ्लो होने की वजह से कोई उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मालेगांव फायर स्टेशन को फोन किया गया, हमारी टीम मौके पर पहुंची और मैं घर पर था। मुझे वहां के स्थानीय लोग ने फोन किए और पवार साहब ने फोन किए कि यार ऐसा ऐसा एक शख्स वहां फंसा है, उसे निकालना है, बचाना है। मैं मौके पर घर से ही अपनी बाइक पर, अपना कचरा डिपो है वहां, मौके पर ही पहुंच गया और वहां का जायजा लिया। तो दोनों नदी का पानी जहाँ संगम होता है, गिरना नदी और मौसम नदी, आखिरी ब्रिज है, उसके बाद से वो पानी का फ्लो और स्पीड हो जाता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने अकेले ही अल्लाह का नाम लेकर उड़ी मारा और पानी को चीरते हुए उस शख्स के लग पहुंचा और एक लाइफ जैकेट साथ में ले गया था, उसको लाइफ जैकेट में सेफ्टी से बांध दिया और अल्लाह की मदद से फिर उधर से उसे मुसलसल पानी को काटते हुए उसको बाहर लेके आया। तो अल्लाह की मदद से समझ लो उसको जिंदा बचाने में कामयाबी हासिल हुई मुझे। तो ये हादसा कहाँ पर हुआ? ये हादसा अपना कचरा डिपो है, आखिरी ब्रिज है, गिरना नदी का आखिरी बड़ा ब्रिज, उसके बाद कचरा डिपो के सामने गिरना नदी में बीचों बीच में मच्छी मारता हुआ था। रात भर उसमें परेशान था, उसे कोई निकाल नहीं पाया। अल्लाह की मदद से सुबह जाकर मैंने कम से कम 8 बजे की टाइम उसको सही सलामत जिंदा निकाला। उसका नाम था दादाजी बुदा मोरे, उम्र कितनी होंगी इनकी? उम्र 65 साल थी सर। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।